अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है शहजाद और आप देख रहे हो उर्दू ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम गूगल असिस्टेंट को दी गई वॉइस कमांड्स को डिलीट करना सीखेंगे, जो कि बहुत ही आसान है। आप तो जानते ही हैं कि हम गूगल असिस्टेंट के ज़रिए किसी भी डाटा को सर्च कर सकते हैं और इसके लिए गूगल आपकी आवाज़ को रिकॉर्ड करने के बाद इसको समझता है कि हम क्या कह रहे हैं और फिर इसके बाद वो हमें हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नतीजे फराहम करता है। लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि गूगल हमारी तमाम वॉइस कमांड्स को बिल्कुल ऐसे ही महफूज रखता है जिस तरह टेक्स्ट के लिए सर्च की जाने वाली सर्च हिस्ट्री को महफूज रखता है। लेकिन परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि टेक्स्ट सर्च हिस्ट्री डिलीट करने की तरह हम वॉइस कमांड के डाटा को भी बड़ी ही आसानी के साथ डिलीट कर सकते हैं। वो कैसे, आइए सीख लेते हैं। तो इस काम के लिए मैं अपने मोबाइल में से गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूं। तो आपने गूगल के ऊपर टॉप में इस लिंक को आपने सर्च कर लेना है। यूं ही आप इस लिंक को सर्च करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। तो आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है तो इधर आपको वॉइस एंड ऑडियो एक्टिविटी ऑप्शन मिलेगी। तो आपने उसके नीचे मैनेज एक्टिविटी वाली ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यूं ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वॉइस एंड ऑडियो एक्टिविटी आ जाएगी। और अगर आप इसके ऊपर टॉप में देखें तो आपको फ़िल्टर बाय डेट वाली ऑप्शन देखने को मिलेगी। अगर मैं उस पर क्लिक करके उसको ओपन करूं तो मुझे इधर फ़िल्टर की ऑप्शन देखने को मिल रही है, यानी कि अगर आपने किसी मखसूस डाटा की ऑडियो एक्टिविटी को चेक करना है तो इधर आप फ़िल्टर भी लगा सकते हैं। तो चलें जी, मैं फ़िल्टर लगाने वाला नहीं, मैं वापस आ जाता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूंगा तो मुझे वॉइस एंड ऑडियो एक्टिविटी देखने को मिलेगी। और ये देखें जी, मुझे उसकी ऊपर डेट भी शो हो रही है और इधर आइटम्स जो कि 27 हैं, यानी कि 27 मेरी ऑडियो एंड वॉइस एक्टिविटी है और उनमें से मुझे दो नीचे शो हो रही हैं और बाकी की मैं यूं ही 21 मोर आइटम्स वाली ऑप्शन पर क्लिक करूँगा तो सारी मेरी ऑडियो एक्टिविटी शो हो जाएगी। तो चलें जी, मैं सिंपली इस 21 मोर आइटम्स वाली ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूं। तो जो ही मैंने उस ऑप्शन पर क्लिक किया तो मेरी तमाम ऑडियो एंड वॉइस एक्टिविटी मेरे सामने आ चुकी है और आप देख सकते हैं कि मैंने वॉइस कमांड के ज़रिए जो भी बोला था वो मुझे इधर नज़र आ रहा है। और बकायदा आप इसको इस ऑप्शन पर क्लिक करके प्ले भी कर सकते हैं और सुन भी सकते हैं। और इसके अलावा मुझे उसका डेट एंड टाइम भी नज़र आ रहा है। और अगर आप किसी एक मखसूस हिस्ट्री को डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपली इस डिटेल्स वाली ऑप्शन पर क्लिक करें तो इधर आपको इसकी तमाम डिटेल्स देखने को मिलेगी। तो इसको डिलीट करने के लिए सिंपली आपने ऊपर इस तीन नुक्तों वाली ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और फिर डिलीट। तो इधर एक पॉपअप मैसेज शो होगा कि आप वाकई इसको डिलीट करना चाहते हैं, तो सिंपली इस डिलीट वाली ऑप्शन पर क्लिक करके इसको डिलीट कर दें और ये देखें जी, वन आइटम डिलीटेड। तो फ्रेंड्स, इसी तरह आप बड़ी ही आसानी के साथ अपनी वॉइस एंड ऑडियो एक्टिविटी को डिलीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और मालूमती रही होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।